नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। अगर आप मेरे चैनल पर आज नए आए हैं तो दोस्तों इंडियन रेलवे से जुड़ी मैं बहुत सारी टेक्निकल खबरें लाता रहता हूं और नॉलेज आपको मैं पूरी देता हूं उस चीज़ के बारे में जिस पर मैं वीडियो बना रहा होता हूं। तो यही चीज़ अगर आपको दिखे आज के वीडियो में भी तो वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों दिल्ली NCR की आज मैं बात करने वाला हूं, जिसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो अभी प्रॉब्लम चल रहा है वो है पॉल्यूशन का, मेनली एयर पॉल्यूशन का। सिगरेट ना पीने वालों को भी वहाँ पर कितनी सिगरेट डेली पीना पड़ती हैं ये मेरे को बताने की शायद ज़रूरत नहीं है, डेली न्यूज़ में आ ही जाता है। दिवाली का त्यौहार हो तो न्यूज़ आने लगती है, लेकिन त्यौहार की वजह से एक छोटा सा पीक आ सकता है पॉल्यूशन के लेवल में, लेकिन ये भी मेन कारण नहीं है और पराली भी मेन कारण नहीं है, क्योंकि साइंटिफिक अध्ययन कुछ और ही बात कहते हैं। तो इन्हीं सभी का सॉल्यूशन मैं अगर आपको बताऊं तो आज बहुत ही बढ़िया खबर आप लोगों के लिए मैं लेकर के आया हूं, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो कि DFC बन रहा है इंडिया में। बता देता हूं कि ये कॉरिडोर जो है ये इंडिया में मालगाड़ियों को अकेले संभालेगा। मतलब इंडिया की मालगाड़ियाँ पूरी स्पीड से 100 KMPH की स्पीड से, जिसमें एवरेज 70 KMPH की स्पीड होगी, उसमें दिल्ली से हावड़ा तक और दिल्ली से मुंबई तक जा सकेंगी। और इसकी सारी डेडलाइन वगैरह मैंने बता दी है, वो वीडियो आपने नहीं देखी तो देख लीजिएगा। ये क्या रोल निभाने वाला है, और रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS जो कि 82 किलोमीटर का लगभग लॉन्ग होने वाला है, 180 KMPH की यहाँ पर स्पीड में ट्रेन चलेंगी, जिनका अभी इरकॉन ने टेंडर भी निकाल दिया है कि कैसे इनका ट्रैक्शन तैयार किया जाएगा। शॉर्ट में मैंने आपको बात बता दी। इन दोनों ही प्रोजेक्ट के वजह से दिल्ली की दम घोटू हवा कैसे क्लियर होगी, आइए बात करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों DFC का खुर्जा वाला सेक्शन जो है, खुर्जा से कानपुर का सेक्शन खुलने वाला दिसंबर एंड में, और ऑफिशियल वीडियो आपके ग्राउंड में चल रही है जो कि गवर्नमेंट ने अभी भी निकाली है आज ही के दिन। और इस वीडियो के तहत आप देख सकते हैं दिसंबर के बाद यहां पर तो मालगाड़ियां आ जाएंगी। मेन पॉइंट यह है कि वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो कि बन रहा है वेस्टर्न साइड में, वो शुरू होता है रेवाड़ी से, जाएगा वो आगे JNPT पोर्ट जो कि मुंबई तक है। लेकिन इसमें क्या होगा, मिड 2021 तक डेडलाइन है कि पालनपुर तक का जो रूट है उसको रेवाड़ी से कनेक्ट कर करके जो गुजरात के पोर्ट हैं वो डायरेक्ट रेवाड़ी से जुड़ेंगे, उसके बाद फिर रेवाड़ी से जो रूट जा रहा है वो खुर्जा तक, उनके बीच में जंक्शन है दादरी जंक्शन, उस दादरी पर दोनों DFC कनेक्ट होंगे। और ये कनेक्शन होने से दिल्ली NCR में आने वाले बड़े मालवाहक ट्रक को रोरो सर्विस का फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। यह है इंपॉर्टेंस, दिल्ली में एंटर करेंगे ही नहीं, उनको सीधा ट्रेन पर ही लाद दिया जाएगा, या फिर ट्रेन पर रोरो सर्विस तो होगी ही होगी, साथ में ट्रक की ही आवश्यकता ना पड़े। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारा माल ट्रक की जगह ट्रेन में ही जाए, तो ये दिल्ली में एंटर ही नहीं करेंगे एक्सप्रेसवे को पकड़ने के लिए, क्योंकि एक्सप्रेसवे दिल्ली में ही एंटर करने के बाद वो पकड़ते हैं, भले ही बाईपास से पकड़ते हो लेकिन दिल्ली में उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अब इसका प्रभाव क्या है दोस्तों, इम्पोर्टेंस ये है कि एयर क्वालिटी और वेदर फोरकास्टिंग रिसर्च के अनुसार जो इम्पोर्टेंस निकल के आई है, शोध में पता लगा कि अकेले वाहनों से निकलने वाला धुआं जो है उसका प्रदूषण में 40% हिस्सा है दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र में, 40% दोस्तों, और इसमें 48% योगदान है औद्योगिक क्षेत्र का, मतलब कि व्हीकल का जो वहां पर 40% योगदान है वो कितना इंपॉर्टेंस है उसकी। उसको कम कैसे करेगा ये DFC इस तरीके से कम करेगा कि ये मालवाहक जो बड़े बड़े वाहन होंगे इनका 70% माल जो है ये DFC के द्वारा ढोया जाएगा, चाहे वो ट्रक्स को रोरो सर्विस के द्वारा ले जाया जाए या ट्रक्स का ही माल कारोबारियों के साथ रेलवे का एक गठजोड़ बने और उसके सामान को रेलवे द्वारा ले जाया जाए, या फिर ऐसा होगा। तो 70% ये होने वाला है लो ट्रैफिक जो कि आएगा ही नहीं। रैपिड रेल की भी बात कर लेते हैं दोस्तों, इसके बाद साइंटिफिक आंकड़े आपको बताऊंगा गैसेस के बारे में। सबसे पहले रैपिड रेल कॉरिडोर जो है वो एक आम आदमी को जो अपनी गाड़ी लेकर के निकलता है जाम में फंस जाता है, जाम में कितना भी अच्छी गाड़ी हो आपकी, पुरानी हो या नई हो, वो बर्न करेगी कम फ्यूल, और जब फ्यूल की बर्निंग लेस होगी तो आपको पता है कि कितनी हानिकारक गैसेस निकलती हैं, और जब इतने हाई अमाउंट में रोज जाम लगता है दिल्ली NCR में तो पॉल्यूशन तो होगा। इससे सबसे इम्पोर्टेंस ये है कि 2.5 पार्टिकुलेट मैटर के जो पार्टिकल हैं, जो कि 2.5
डाया के पार्टिकल्स होते हैं ये हवा को सबसे ज़्यादा दूषित कर रहे हैं और ये वाहनों से ही उत्सर्जित ज़्यादा हो रहे हैं। तो इसको कम करने के लिए ये दोनों कॉरिडोर काम करेंगे। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंस कि एक आम आदमी रैपिड रेल पकड़ेगा तो गाज़ियाबाद आराम से और मेरठ आराम से पहुँच पाएगा, फिर वहाँ जाके कोई भी सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर सकता है या फिर अगर उसे ड्यूटी जाना है कहीं भी जाना है, लेकिन उसके दिल्ली के जाम में नहीं फंसना पड़ेगा अपनी गाड़ियों को लेकर के। और ट्रक जो है वो DFC कम करेगा, और जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं जो कि बहुत ज़्यादा जाम लगाती हैं, हर किसी को अपनी गाड़ी लेकर के निकलना जो पड़ता है, उसको रैपिड रेल कम करेगी। दोस्तों ये 2.5 पार्टिकुलेट मैटर वाली जो पॉल्यूशन की बात मैं कर रहा हूँ, मास्क भी इसके लिए कारगर नहीं है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के एक अध्ययन के अनुसार रैपिड रेल के चलने से प्रतिवर्ष क्या होगा दोस्तों, PM 2.5 के जो कण हैं उनका 60,000 टन की कमी आएगी वायु में। तो वहाँ की एयर में 60,000 टन इस तरीके के पार्टिकल कम हो जाएंगे। इसके साथ ही नाइट्रोजन ऑक्साइड जो कि 4,75,000 टन कम हो जाएगी, और हाइड्रोकार्बन जो कि पूरी तरीके से व्हीकल से ही रिलेटेड है वो 8,00,000 टन कम हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड 8,00,000 टन कम होगी। कार्बन मोनोऑक्साइड भी वो गैस है जो कि फ्यूल के कम बर्न होने पर, आधा फ्यूल बर्न होने पर जनरेट होती है। दोस्तों यहाँ से आप समझ सकते हैं कि रैपिड रेल ये वाला काम करने वाली है। तो दोस्तों अब DFC की अगर मैं बात करूँ तो DFC और रैपिड रेल इन दोनों से ही 1,00,000 वाहन दिल्ली की रोड पर कम हो जाएंगे दोनों का कम्बाइंड। अगला जो मैंने गैसेस बताई आपको वो सभी दोनों कम्बाइंड ही आप मान के चलिए, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो 8,00,000 टन कम होगी प्रतिवर्ष, ये भी इन दोनों का ही रिजल्ट होने वाला है। और 4,75,000 टन प्रतिवर्ष नाइट्रोजन ऑक्साइड जो कम होगी वो भी इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन के वजह से सफल होगा। एक इम्पॉर्टेंट ये है कि DFC से ये भी होगा कि 1.5 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड DFC से कम होगी, जिसका मतलब है 36% माल ही जाता है वर्तमान में मालगाड़ियों से, और जब आगे DFC खुलेगा तो उसमें सोच सकते कितना ज़्यादा उछाल आएगा, और फिर दिल्ली NCR में जाने की ज़रूरत है ही नहीं किसी भी ट्रक को, चाहे वो गुजरात से दिल्ली आ रहा हो या फिर गुजरात से सीधा उत्तर प्रदेश के किसी इलाके में या फिर बिहार होते हुए हावड़ा जा रहा हो। तो अभी तो फिलहाल कानपुर का DFC ही गुजरात से जुड़ जाए उसकी डेडलाइन मैंने आपको बताई दी है, कानपुर वाला खुलने वाला है। WDFC में पालनपुर से आगे तक का भी काम चालू हो चुका है, देखते हैं कि कब अपनी डेडलाइन पूरी करते हैं। इन दोनों की वजह से दिल्ली का जो वातावरण है उसकी मेन जो प्रॉब्लम है वो हल हो पाएगी। मेन प्रॉब्लम ही ये दोनों चीज़ें हैं। औद्योगिक तो है अपनी जगह, उसके लिए मैनेजमेंट अच्छा और चाहिए, लेकिन व्हीकल्स का जो है उसको तो संभाला जा सकता है, तो वही संभालने के लिए हमारा रेलवे प्रतिबद्ध है ऐसा लग रहा है देख करके जिस तरह से रिसर्चेस सामने आई हैं। आप लोगों का क्या कहना है, अगर आप लोग वहाँ रहते हैं कि आपको लगता है कि लोग मेट्रो की ही तरह रैपिड रेल पर भी जाने को तैयार होंगे, कौन जाम में फंसना चाहेगा, ये बात भी सही है, लेकिन आप अपनी राय देना मत भूलिएगा कमेंट सेक्शन में। तो आज के लिए इतना ही, वंदे मातरम, भारत माता की जय।